ब्रेक के बाद का स्वागत है। पूर्व सीबीएस राजेश धर्माणी स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से मिले और महाविद्यालय में अध्यापकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर मनमर्जी के बारे में चर्चा की। पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से मिले और महाविद्यालय में अध्यापकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं व मनमर्जी के बारे में चर्चा की गई। धर्माणी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि अध्यापकों के द्वारा मनमाने तरीके से अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए छात्र छात्रों के मूल आंतरिक मूल्यांकन नंबर बढ़ाए गए, वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही छात्रों के सहपाठियों की प्रार्थना तक स्वीकार नहीं की गई। क्या किसी नियम और कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि कुछ व्यक्तियों को ऐसी स्वैच्छिक शक्तियां दे रखी हैं कि वे मनमर्जी से कुछ छात्रों को जो किसी विशेष संगठन से जुड़े हुए हैं उनको लाभ देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। उन्होंने कहा कि कई छात्र हमें मिले जो थ्योरी में तो पास है लेकिन आंतरिक मूल्यांकन में उन्हें बहुत कम नंबर लगाए गए हैं ताकि जानबूझकर उन्हें फेल किया जा सके। वहीं ऐसे भी विधायक के चहेते छात्र हैं जो थ्योरी में तो फेल हैं लेकिन आंतरिक मूल्यांकन में अधिक नंबर लगाकर पास कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बीएससी पास आउट एक छात्र से झूठा हल्फनामा लेकर राजनीति करवाने के उद्देश्य से बीए में दाखिला दे दिया गया, जबकि उसी के एक सहपाठी को जिसका नाम अंकित भाटिया है को दाखिला देने से मना कर दिया गया। दाखिला कमेटी के अध्यक्ष प्राध्यापक को ऐसा भेदभाव करने के लिए किसने विवश किया तथा प्रिंसिपल को इस बारे में भी अवगत करवाया गया कि कुछ प्राध्यापक अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए एनएसएस शिविरों में ले जाने के बहाने राजनीतिक कार्यक्रमों में लेकर जाते हैं जो कि सरासर गलत है। इस संदर्भ में प्रिंसिपल को तुरंत कार्रवाई करने के बारे में अनुरोध किया गया ताकि समय रहते बच्चों के साथ न्याय हो सके। मुझे कुछ छात्र 25 जुलाई को मिले और कुछ अभिभावकों ने मुझे टेलीफोन करके बताया कि उनके बच्चों के साथ जो है कॉलेज के कुछ प्राध्यापक भेदभाव कर रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट के नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, जिनके लिए हमारे यहाँ पे जो स्थानीय नेता हैं वो फोन कर रहे हैं भाजपा के, उनके नंबर तो बढ़ा दिए और आम छात्रों के जो हैं उनको, हालांकि वो थ्योरी में पास हैं लेकिन उनको इंटरनल असेसमेंट में फेल किया हुआ, ऐसे छात्रों को जो है इंटरनल असेसमेंट के नंबर नहीं बढ़ाए गए जबकि उनके नंबर बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से जो है वो ऐसा सर्कुलर जारी किया गया था। जबकि दूसरी तरफ विधायक जी के कहने पर ऐसे छात्रों को पास कर दिया जो थ्योरी में फेल थे और इंटरनल असेसमेंट में पहले से ही पास थे लेकिन उनके नंबर बढ़ाकर जो है उनको फायदा पहुंचाया गया। हमारा सरकार से ये आग्रह है कि इस भेदभाव को, ये जो दोहरा जो मापदंड है जिसके आधार पे कुछ छात्रों को अनुचित लाभ दिया जा रहा है और कुछ छात्रों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इस तरह का दोहरा मापदंड जो है वो सहन नहीं होगा। वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से भी अनुरोध है कि इस मनमानी को रोका जाए और ऐसे प्राध्यापकों के ऊपर जो है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए जो छात्रों के बीच में भेदभाव करते हैं, अपना निजी फायदा लेने के लिए, कुछ अपने आकाओं को खुश करने के लिए छात्रों के साथ अन्याय करते हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस बारे में प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी मुद्दों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर इन मुद्दों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कॉलेज के अंदर धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। मैं अंकित भाटिया घुमारवीं कॉलेज का छात्र हूँ, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवीं से। हुआ ये कि मैं एडमिशन लेने प्राचार्य महोदय के पास गया और उनसे पूछा कि मैं एडमिशन ले सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि मेरी एडमिशन नहीं होगी। और वहीं मेरा दूसरा एक साथी था, उसी कॉलेज का साथी था, और उसका मतलब उसको एडमिशन दे दी गई और मुझे बोला गया कि आप यूनिवर्सिटी से लिखवा कर लाओ तब हम आपको अलाउ करेंगे एडमिशन के लिए। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उसको किस बेसिस पे एडमिशन दी गई थी और मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया।